निंदा करता हूँ घोर निंदा करता हूँ। ऐसे एक ये एक लड़की और एक समर सिंह का पोजिशन है, ऐसे कई जो है लड़कियाँ हैं जो हमारा वीर लालूदाई की दुनिया और इसमें पहुँच गए हैं बक्सर। बक्सर की धरती पर यह प्रांगण है, माता जी का मंदिर है और यहाँ पर पहुँच गए हमारे बिहार सम्राट आदरणीय आप सम्राट विजयलाल यादव गुरु जी और बगल में हंसराजू लाल यादव जी। हम उनसे अभी बात करते हैं इस मंदिर के प्रांगण में। और चलो मैं आपका स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी और इतने लाडू चैनल के दर्शक बनते हैं, सबको नमस्कार प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है, हर एक साल की बात है, इस साल भी शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम कई वर्षों से चलता है, लेकिन आप जानते हैं कि मार्च महीना में गौरी में मेरा फिल्म का शूटिंग रहा जिसमें हमारे बड़े भाई विश्व पितामह बिहार के सम्राट कहे जाने सुल्तान भैया जो है हमारे फिल्म में बहुत ही दमदार जो है इंस्पेक्टर रोल इन्होंने किया है। और उसमें मैं बाबा लाने पर ममता महादेव जी की कृपा से गिरु थे जिसकी वजह से हम विजित थे, कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन इस शिवरात्रि में फिर कार्यक्रम आज भव्य भंडारा और बाबा का भव्य श्रृंगार हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखा दीजिए बाबा को। आज जो है भव्य श्रृंगार हुआ है बाबा का और भंडारा भी है, जनता यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रही है और विजयलाल भैया का आज जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बाबा के दरबार में। क्या कारण है कि गुरु जी को आप इंस्पेक्टर का रोल देते हैं और कौन रोल नहीं देते हम लोग, क्या कारण है? इसके बाद मेरा छोटा सा घर जो फिल्म बनने जा रही है उसमें हम लोग जय और विजय हैं, छोटे भाई और बड़े भाई जो है दोनों भाई हैं, इस बार दोनों भाई को हीरो में देखेंगे। हम गुरु जी से संपर्क करवाना चाहते हैं, हमारे चैनल आपका स्वागत है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद औलाद के लिए कह रहे हैं और उसमें हम लोग भी खुशी थे, हम लोग भी उनके पक्ष में हैं तो नहीं ऐसा होना चाहिए। कौन सा ऐसा दिन था क्यों जो है अच्छी थी कैरियर चल पड़ा था और इस बीच में उनका जो है इस तरीके से हम लोगों के बीच से चला जाना ये अत्यंत दुखद। देखा जाए तो न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपके अनुसार? न्याय बिल्कुल मिलेगा भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से जोया और समझोया गया जैसे माली गजरे को सजाता है वैसे सजाया गया, कानून से कहाँ कोई बचा है, बड़े बड़े माफियाओं की पैंट गीली हो गई, ये छोटे मोटे वारदात करके लोग बच जाएंगे क्या? वो मिलेगा न्याय जरूर। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्मी दुनिया के लिए जो घटना हो रही है? देखिए हम तो आकांक्षा दुबे का मन भी हमारे भोजपुरी परिवार को दुख है, एक हमने बहुत अच्छी हीरोइन खो दी लेकिन शमर